तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल 005 प्ले ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूं अपनी एक ऐसी बाइक को जिसको मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेरे साथ में, क्या क्या घटनाएँ हुई हैं और क्या क्या नहीं हुई हैं, और इसके अंदर क्या कमी आई है और क्या क्या मैंने इसके अंदर काम कराया है। तो इस पूरी वीडियो में मैं यही बताऊँगा मैंने इसको कब ख़रीदा, कितने ख़रीदा और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप देख ही रहे हैं, मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ। ये हीरो मोटर की ओर से आने वाली स्प्लेंडर प्रो बाइक है, जो कि 2013 मॉडल है। और मैं आपको इसको पास में लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बाइक के बारे में हम फुल डिटेल के साथ में आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइस, पहले आप इस गाड़ी को देख लीजिए, इस गाड़ी की कंडीशन किस तरह की हो चुकी है, क्योंकि हमने पिछले 10 साल से इसको सिर्फ चलाया है और ओनली सर्विस के अलावा कुछ भी काम इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं कराया है। आप देख सकते हैं, वो क्यों नहीं कराया है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहता था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और हीरो मोटर ने इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की बनाई है और इंजन कितना हैवी बनाया है कि ताकि कब तक चल सकता है। तो मैं सभी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो पर अंत तक। तो गाइस, मैंने इस बाइक को 2013 में बाय किया था, समथिंग सितंबर के महीने में। और ये गाड़ी अब तक कितनी रन कर चुकी है तो आप देख सकते हैं, ये गाड़ी अभी 87,154 किलोमीटर तक चली हुई है, पर इसका मीटर 25,000 किलोमीटर पहले ही बंद हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं, लगभग 1,10,000 के आसपास ये गाड़ी चली हुई है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, अभी तक इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप देख सकते हैं, एक बार ये गाड़ी पहले गिर चुकी थी, ये टूट गया, पर ये मैंने ऐसे ही चिपका लिया, जाने दीजिए कोई नहीं, ये भी टूटा हुआ है, पर अभी भी कितनी मजबूती आप देख सकते हैं इसका। और इसके अंदर थोड़े बहुत शॉकर इसमें लीकेज हुए थे, वो भी मैंने रिपेयर कराए थे, बट वो 4-5 दिन चले, उसके बाद में नहीं चले, फिर दोबारा से लीक हो चुके हैं। और ये जो आप इसके टायर देख सकते हैं, इसके जो टायर हैं ये गाड़ी के साथ के हैं, पूरे घिस चुके हैं, पर अभी भी आप इनकी मजबूती देख सकते हैं। और ये MRF कंपनी की ओर से आने वाले व्हील देखने को मिल रहे हैं आपको। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक ऐसी कमी आ चुकी है कि जिसके कारण मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बाइक मानी जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 साल पुरानी बाइक में अभी तक क्या क्या कमी आई है। आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर अभी तक कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कराई है, एक भी आइटम चेंज नहीं कराया है, ओनली सर्विस के अलावा कुछ नहीं चेंज कराया है। पर अभी आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं इसकी। जैसे आप ब्रेक लाइट देख सकते हैं, ये भी अभी प्रॉपर तरीके से ठीक है। ये टूटा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये इसमें कुछ गिर गया था, इस वजह से ये टूट गया, पर कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। और दूसरी चीज़, इसका एक स्टैंड है जो कि साइड स्टैंड है, ये थोड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर नहीं कह सकते क्योंकि 10 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो इसके ऊपर लोग ऐसे ही खड़े करके ऐसे ही बैठ जाते थे, तो ये यहाँ से कमज़ोर होकर टूट गया था, तो मैंने इसको वेल्ड करा लिया। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। इसके अंदर एक वॉशर डलनी थी, वो डाली नहीं मिस्त्री ने, कोई नहीं, वो भी ठीक है, बाकी सभी चीज़ें ठीक हैं। तो इसके अंदर कमी क्या है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कमी ये है, मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या कमी है इसके अंदर। वैसे तो दोस्तों ये सेल्फ स्टार्ट है, देखिए ये रहा सेल्फ, बट अभी इसकी बैटरी डिस्चार्ज है, इस वजह से ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसको किक से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ में कितना बदलाव आ चुका है। ये बदलाव क्यों आया, हमने इसकी सर्विस तो प्रॉपर तरीके से कराई थी और प्रॉपर मंथ में प्रॉपर किलोमीटर पे, पर फिर भी ये बदलाव आ गया। वो बदलाव इसलिए आया क्योंकि इसको 10 या 11 साल हो चुके थे, तो लॉकडाउन के आसपास में हमें कुछ इसके अंदर कमी नज़र आई, इसमें थोड़ी बहुत आवाज़ आई, हमने सोचा कि टाइमिंग चेन है, हमने टाइमिंग चेंज करा ली, उसके बाद में 2-4 दिन तक ठीक रही, फिर दोबारा से ये आवाज़ दोबारा से आने लगी। और अब उसके बाद ये गाड़ी ब्लैक स्मोक वाइट स्मोक देने लगी, मतलब धुआं देने लगी। तो गाइस, यही था इस वीडियो में कि हम किस लिए इस वीडियो को बना रहे हैं आपके लिए, और अब हम इसका इंजन रिपेयर कराने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे।
तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 10 साल पुरानी बाइक और इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी मजबूत तरीके से बिल्ड क्वालिटी हीरो मोटर ने तैयार की है स्प्लेंडर प्रो की। इसीलिए लोग ज़्यादातर इसको परचेज करने की कोशिश करते हैं और परचेज भी करते हैं, इसीलिए इस गाड़ी की मार्केट सेल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ चुकी है। तो बस यही था दोस्तों, अब हम जाते हैं इसका इंजन रिपेयर कराते हैं, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो हम आपको बना के देंगे कि इसके इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या क्या चीज़ हम चेंज करा रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।